ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इस्लामाबाद में नवी जमात के तालिब इल्म ने सर पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। 3 दिन में तीसरे तालिब इल्म की खुदकुशी। कराची से पिकनिक पर हब जाने वाले 3 नौजवान डूबकर जहां बहक, 3 को जिंदा निकाल लिया गया, 1 लापता। पंजाब के स्कूल्स और कॉलेजेस में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 23 अगस्त तक करने का ऐलान, निजी स्कूल्स का मानने से इनकार। हैदराबाद की मकामी अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की सजा कलदम करार देकर पोलिंग अमले को थप्पड़ मारने वाली वहीदा शाह को बरी कर दिया। MQM महाजर सूबा नहीं चाहती, रहमान मलिक ने इत्तेहादी जमात को क्लीन चिट दे दी। कराची से अगवा डॉक्टर आफताब, हैदराबाद में कत्ल। सिंध भर में डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में एक ही खानदान के 8 अफराद कत्ल, लवाहिकीन का इलाज अस्पताल के बाहर एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने कमर कस ली, फैसलाबाद में तोड़ फोड़ अवामी नुमाइंदों के घर घेराव का ऐलान। लाहौर के मॉल रोड पर 1 सदी से जायद पुरानी किताबों की दुकान में आग लग गई, करोड़ों रुपए का नुकसान। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज मलेशिया के खिलाफ बका की जंग लड़ेगा। और इश्क़ज़ादे की हीरोइन परिणीति नई फिल्म में रणबीर कपूर के मद्दे मुकाबल किरदार अदा करेंगी।